नमस्कार दोस्तों मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक हमारी यूनिवर्सिटियाँ हाल फिलहाल के दौर में काफी बदलावों से गुजर रही हैं एक तरफ शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने का सवाल है तो दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति जैसा सवाल मोबाइल खड़ा है इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हैं आज हमारे साथ आभादे हबीब आभादे हबीब दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाती हैं और डी टी की सेक्रेटरी भी अब मैम शुक्रिया न्यूज क्लिक से बात करने के लिए तो आप, आप आपको आज बुलाने का यही था कि हम देख रहे हैं ना अंग्रेजी में टर्म है जिसे कहते हैं रेनिंग कैट्स <laughs> तरीके से यूनिवर्सिटीज पे जो है रेन, रेनिंग रेनिंग नोटिस हो रहे हैं और शिक्षकों को अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा नोटिस मानना है या नहीं मानना है तो अगर मैं बातचीत की आपसे शुरुआत करूँ तो पहला जो सवाल मेरा है आपसे वो ये है कि यूनिवर्सिटीज uh, में बड़े पैमाने पे शिक्षकों नौ, को नौकरियों से निकाले जाने का सवाल है अगर एक डेटा के माने तो अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में तकरीबन पाँच टीचर्स को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है एक इस तरीके की जो शिकायतें थी वो जेन में हम सुनते थे एक समय में कि इस तरीके की, की कोई चीज़ हो रही है क्या ये बात सही है और ये इसको कैसे आप समझाएंगे देखिए नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है तो रवि जो अभी आपने बोला कि 500 टीचर्स से ऊपर नंबर है जो डिस्प्लेस हुआ है ये डिस्प्लेस हुआ है इनको ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है और ये बहुत दुख की बात है कि 10 साल तक जो मैंने अभी बताया कि लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी पोस्ट नहीं पोस्ट को नहीं भर पाया जो कि उसको करना चाहिए था दिल्ली यूनिवर्सिटी में टीचर्स एडहॉक बेसिस पे काम करते रहे और ये बहुत दुख की बात है कि तीन मिनट दो मिनट के इंटरव्यू के बेसिस पे इन लोगों को निकाला जा रहा है रामजस का अगर आप डेटा देखेंगे या आप हंसराज कॉलेज का डेटा देखेंगे लक्ष्मी भाई मतलब एकदम क्रिमिनल है कि आपके जैसे रामजस कॉलेज में सत्रह लोगों में चौदह लोगों को निकाल दिया गया तो ये किस बेसिस पे हो रहा है तो आ, समावीर का जो अभी हिंदू कॉलेज इंदु में कॉले हुआ, हुआ इसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर ही मान रहे हैं क्योंकि ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि आ, बहुत साल काम करने के बाद अपनी मेहनत देने के बाद आ, किसी भी तर्क मतलब कोई भी जस्टिस नहीं नजर आ रहा हमारे साथियों को और उनको निकाल दिया जा रहा है आ, बेसिकली उनको डिसप्लेस करके किसी और को नौकरी दे दी जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी को हमें समझना होगा कि जानबूझ के एक तरीके से 2010 के बाद अपॉइंटमेंट जिस तरीके से होने चाहिए वो हुए नहीं आ, किसी भी संस्थान के लिए अपॉइंटमेंट प्रमोशन और रिटायरमेंट एक नेचुरल फ़ेज़ ऑफ लाइफ की तरह चलना है और वो होना है ऑटोमेटिकली रोल आउट होना है लेकिन जानबूझ के 2010 के बाद आ, 2015 में एक रिक्रूटमेंट हुआ प्रोसेस उसमें 800 सीटें भरी गईं जबकि ओबीसी एक्सपेंशन की जितनी सीटें आई थी लगभग 2000 उनको भरने का टास्क यूनिवर्सिटी के सामने था पर वो नहीं किया और उसके बाद आप देखेंगे कि 2017 में एड निकलता है और उसमें सिर्फ दो कॉलेज टीचर्स का अपॉइंटमेंट होता है उसके बाद 2020 में दोबारा अपॉइंटमेंट शुरू होने वाला था प्रक्रिया जब कोविड का पूरा मामला हुआ तो लगभग दस साल में तीन बार प्रो, प्रोसेस शुरू हुआ और बार बार जो दखल देने वाली संस्थान थी वो सरकार के खुद ही एजेंसीज थे फॉर एग्जांपल 2016 में जब हम समझ रहे थे 2015 में अपॉइंटमेंट चल रहा है जिस तरीके का चल रहा था उससे भी परेशानी थी लेकिन दो के अंदर वर्कलोड के नियम बदल दिए गए और जिससे आधे शिक्षक पूरे देश में बाहर हो रहे थे नौकरी ही नहीं बच रही थी और जिसका आंदोलन पूरी समम में चला तो उससे एक तरीके से दखल आया इसी तरीके से 2017 में जब अनाउंसमेंट हुआ हुआ था अपॉइंटमेंट्स का और प्रक्रिया चल रही थी रेंग रही थी आ, लेकिन चल रहा था कुछ उसके बाद 5 मार्च 2018 में सर्कुलर आया जिसने कहा कि 200 पॉइंट रॉस्टर इंस्टीट्यूशन टेकिंग इंस्टीट्यूशन एज अ होल न करके हम डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो सरकार अपने ही रूल को बदलने लगी जिसके ऊपर एक बड़ा डूटा का मूवमेंट हुआ क्योंकि वो बहुत ही एंटी रिजर्वेशनिस्ट पॉलिसी थी अगर डिपार्टमेंट वाइज होता तो उसमें एक उसमें जो हाँ लेकिन उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही हवाला देते हुए हुआ लेकिन जब बताया गया हम लोगों ने उसके ऊपर पूरा मूवमेंट किया तो सरकार को एक तरीके से ऑर्डिनेंस पास करके 200 पॉइंट को रिस्टोर करना पड़ा 2019 में तो लेकिन एक साल खर्च हो गया तो आप देखेंगे कि बार बार सरकार की वजह से और मैं ये समझती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यू या एम के दफ्तर से दूर नहीं है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पाँच के करीब साढ़े चार हजार के करीब पांच हजार के करीब टीचर काम कर रहा है दो हजार तेरह में भी एफ आई यू आया और लगातार उसके बाद चॉइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम कभी एल ओ और अभी सरकार फिर फोर रही है तो कहीं ना कहीं ये मामला रिस्ट्रक्चरिंग से भी जुड़ा हुआ है एक चीज रुकूंगा मतलब अगर आप हमारे ये एफ़ आई यू पी को समझा पाए कि ये एफ आई यू पी क्या है इस पे बातचीत हम बाद में करेंगे एफ आई यू पी को बस आप समझाएँ बेसिकली आज के दिन में आ, आ, जो हमारी अभी तक नेशनल पॉलिसी थी इससे पहले वो टेन प्लस टू प्लस थ्री ईयर ऑफ़ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम टू ईयर्स ऑफ मास्टर एक साल का एम फिल कुछ सब्जेक्ट्स में था कुछ में नहीं और फिर आपका पीएचडी इसको चेंज करके दो हजार में भी ये कोशिश की गई जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक तरीके से लैब का स्पेस बनाया गया ये पूरे देश के लिए नहीं आया लेकिन फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2013 में भी यहाँ पे लाया गया कि हमारा जो थ्री ईयर प्रोग्राम है वो थ्री ईयर ना होकर फोर ईयर हो और फिर एम या पोस्ट ग्रेजुएशन वन ईयर का हो सकता है हाँ लेकिन उसको हट जाएगा और फिर डी आएगा वो उन्होंने उस तरीके से एम पीएचडी तक नहीं गए थे क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने दो में किया था और जब इसके खिलाफ एक पॉपुलर मूवमेंट खड़ा हुआ क्योंकि आप फर्स्ट ईयर को एक डाइल्यूटेड कोर्सेज में छोड़ रहे थे और स्टूडेंट्स ने कहा कि महंगे शहर में बैठने में हर स्टूडेंट का कम से कम डेढ़ दो लाख खर्च होता है हर साल तो उन, उनको पाया कि ये जो चार साल का कोर्स है वो उस तरीके का पुख्ता नहीं है जिस तरीके से थ्री ईयर अंडर ग्रेजुएट है प्रोग्राम है और एक जब पॉपुलर मूवमेंट चला तो उस समय 2014 में लोकसभा चुनाव में ये एक मुद्दा बना था और इसका रोल बैक हुआ था जब बीजेपी आई तो उसने रोल बैक किया लेकिन एन 2020 में हम देख रहे हैं कि फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अब नेशनल पॉलिसी के तहत आया है जिसमें सारी स्टेट गम, आ, स्टेट यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को फोर ईयर के ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लाने पड़ेंगे और इस बारी मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट भी आया है जिसमें एक साल के बाद आप निकल जाएँ तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा दो साल बाद निकलेंगे तो डिप्लोमा आपके हाथ में होगा तीन साल अब ए, ये इनका क्या एम्प्लॉयबिलिटी होगी क्या ये बेहतर डिग्रीज हैं ये बहुत बड़े सवाल हैं और इसको हम लोग बात करना चाहिए अब आते हैं दूसरे सवाल पे जो एक जो सवाल है ना मैं मैं ये कहूँ कि यूजीसी की तरफ से एक जो है नोटिस सारी यूनिवर्सिटीज़ को गया कि आप जो है अब अपनी क्लासेज हैं लैब्स हैं उसको आठ बजे से लेके सुबह के आठ बजे से लेके शाम के, के आठ बजे तक खोली जब मैं अपने कॉलेज लाइफ में था तो हम ये अक्सर सुनते थे कि मॉर्निंग कॉलेजेस को इवनिंग में भी कर लिए तो वहाँ पर क्लासेज आपको मिल जाएंगी टीचर्स आपको जो है एडिशनल हायर करनी पड़ेंगे ये जो अभी का जो नोटिफिकेशन है जो यूजीसी का उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी? देखिए दो नोटिफिकेशन है एक यूजीसी का है यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस ऑप्टिमल और एक उसको बेस बनाते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो ए एम टू 8 पीएम का ऐलान किया है आ, मैं इसमें कहना चाहती हूँ कि जो यूजीसी का सर्कुलर है आ, वो ये नहीं कह रहा है कि संस्थान को अपने ही कर्मचारियों के थ्रू ए एम टू एट रखना है वो ये कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है आप एम साइन कीजिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमल यूज़ हो और आप बाकी एजेंसीज के साथ कोलेबरेटिव वर्क कीजिए वो आपका थोड़ा सा स्पेस को इस्तेमाल करें अब जैसे हो सकता है कि फॉरेन लैंग्वेजेस के Uh, आप कॉलेज से uh, मतलब डिपार्टमेंट से नेगोशिएट करें वो शाम की क्लासेस अरेंज करें पर ये संस्थान को एट एम टू एट पी नहीं खोलना है uh, तो ये थोड़ा मिस रीडिंग है यूजीसी uh, का जो सर्कुलर है उसका इसको ही बेस बनाते हुए उसको मिस रीड करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 8 एम टू 8 पी एम का सर्कुलर अभी कुछ दिन पहले जारी किया है और उसके अंदर कहा है कि कर्मचारी और सेम uh, टीचर्स जैसे कि 8 एम टू 8 पी एम कॉलेज को चलाएंगे आपकी क्लासेस किसी भी समय हो सकती है और उसका आप कैसे पालन कर रहे हैं उसका अभी 31 मई तक सब कॉलेजेस को भेजना था जो कि हास्य है क्योंकि यूनिवर्सिटी के ही शेड्यूल के हिसाब से एग्जामिनेशन हो रहे हैं और जो सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई है उसका टाइम टेबल बहुत पहले बन चुका अब लेकिन मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आगे यू भी अपनी चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए यह ज़रूरी क्यों हुआ है ए टी एम टू एट पी ये इसलिए क्योंकि जब हम चार साल की बात करते हैं फोर ईयर अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं तो चौथे साल को आप एक एक्सपेंशन के रूप में हमें समझना चाहिए मान लीजिए मिरांडा हाउस में 1300-1400 बच्चा पहले साल में भर्ती लेता है अगर यही बच्चा चौथे साल तक रहता है यानी कि कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर चौथे साल को केटर करने के लिए होना चाहिए अभी तक एन को लागू करने के लिए सरकार का कोई एनालिसिस नहीं है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में या स्टेट गवर्नमेंट्स के पास क्या ये रुपया है कि वो अपनी सारी यूनिवर्सिटीज़ को डेवलप करें फोर्थ ईयर के लिए या इवन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऐसा कोई डाटा uh, एनालिसिस नहीं उन्होंने दिखाया कि हाँ ये चौथे साल के लिए हम क्या रुपया देना चाहते हैं कैसे ये एक्सपेंशन होगा और इसीलिए हम देख रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी समझ आता है शायद और एडमिनिस्ट्रेशन आपको मालूम है किस तरीके से सरकार के ही लगाए हुए एक तरीके से वाइस चांसलर्स हैं मे बी दे अंडरस्टैंड कि उनको सरकार से ये नहीं मिलेगा और इसलिए उन्होंने एट एम टू एट पी कर दिया आ, ताकि आपको नए लोगों को नौकरी ना देना पड़े ताकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर चॉइस तो आप दे रहे हैं स्टूडेंट को लेकिन उसके लिए नौकरी किसी को ना दें कोई नया टीचर हायर ना करें इस सब को करने के लिए पहले क्लस्टर कॉलेज बनाए अब लेकिन एक ही कॉलेज में जो व्यवस्था है उसमें उसी का टाइम टेबल नहीं बन पा रहा पर अब क्लस्टर पहले डिसाइड करेगा कि इन पांच कॉलेजेस में कौन से पीरियड जैसे किसके स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज जो ऑप्शनल पेपर्स आए हैं उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो स्टूडेंट ले सकता है तो कौन सा कॉलेज कौन सा ऑफर करेगा और स्टूडेंट वहाँ जाके पढ़ सकता है ऐसे ही वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं वो आपने क्लस्टर में दे दिए तो पहले क्लस्टर तय कर रहा है टाइम टेबल ऑफ है यहां अगर किसी मतलब ये मैं ये कहूं कि किसी बच्चे को आप समझाएं है ना या किसी पेरेंट को समझाएं कि ये क्लस्टर क्या चीज़ है और वो आ, मतलब ये है कि मिरांडा हाउस में स्टूडेंट ने दाखला लिया एक कॉलेज में उसने दाखला लिया लेकिन अपने चॉइस ऑफ पेपर को पढ़ने के लिए बजाय सरकार ये कोशिश करती कि ये चॉइस स्टूडेंट को दी जा रही है इसका मतलब एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी भी होगा और फैकल्टी को हायर किया जाएगा ताकि स्टूडेंट को अपने ही इंस्टीट्यूशन में चॉइस मिल जाए ये नहीं हो पा रहा और इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि जो एक ही आसपास के जो कॉलेजेस हैं उनको मिला के एक क्लस्टर बना दिया तो जैसे नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस क्योंकि आसपास हैं वहाँ एक क्लस्टर बन गया ऐसे ही आपका साउथ कैंपस में ऐसे तमाम क्लस्टर बने हैं और एक क्लस्टर के अंदर पांच या छह कॉलेज शामिल हैं वो पांच छह कॉलेज मिलकर कहेंगे कि वो क्या सेक पढ़ा सकते हैं इस पूरी लिस्ट में स्टूडेंट फिर अपना कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज उठ के जाएगा इन पेपर को पढ़ने के लिए लेकिन आ, ये अनुभव बा, बाकी जो ये चीज़ें कई कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया है स्टूडेंट ना तो अपने इस कॉलेज में मिल पाता है ना उसमें <laughs> क्योंकि इतना इनर्शिया हो जाता है आपके कोर पेपर एक जगह हो रहा है और आपको उठकर एक किलोमीटर दूर जाना है आपको रिक्शा करना है तो आपके जाने की प्रक्रिया में ही आपका बहुत सारा पीरियड खत्म हो रहे हैं जो कि सेल्फ स्टडी में या एक्स्ट्रा करिकुलर में जा सकते थे और आपकी एक दोस्ती होती है तो आप आप पियर से भी सीखते हैं और लग, उनके साथ रहकर पढ़ते भी हैं उसको तोड़कर आपको एक और जगह जाना है तो इनर्शिया की वजह से ही हम देख और ये जो सेक और वैक आ, सेक स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज या वैल्यू एडिशन कोर्सेज आए ये इतने डायल्यूटेड फॉर्म के हैं कि कई बार स्टूडेंट्स का ये मनोबल ये आ, ये एंथम तो नहीं होता कि वो उठ के रिक्शा करके दूसरे कॉलेज तक पहुंच पाए तो ये सारी समस्या हमने पिछले एक साल में आ, देखी है कि स्टूडेंट ना तो यहाँ है ना वहाँ है तो ये सारी समस्याएं हैं अब पर क्योंकि उसका टाइम टेबल सेट करना है तो पांच नौ साढ़े आठ से पांच बजे तक भी क्लासेस पूरी नहीं पड़ रही टाइम टेबल को आगे खिसकाना होगा और इसीलिए ए टी एम टू एट पी एम का सोल्यूशन एक तरीके से सरकार को ऑफर कर रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी बजाय वहां से ग्रांट्स मिलते तो मैं ये कहूँ कि जब हम बातचीत कर रहे हैं हाँ ना तो आ, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग चल रही है।, है और उसमें एक नया प्रस्ताव जो है वो लोग एंटरटेन करेंगे आई टेप करके इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है uh, और उसके बदले में जो है बी एल एड सॉरी वो इंट्रोड्यूस करेंगे और बी एल एड को स्क्रैप करने हाँ की बात है अपने दर्शकों के लिए बता दूँ कि जो uh, जो शिक्षक बारहवीं uh, जो बच्चे बारहवीं करने के बाद uh, शिक्षक बनना चाहते थे वो आमतौर पर बी जैसा प्रोग्राम करते थे जिसमें उन्हें जेंडर uh, और साइकोलॉजी चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे ताकि वो uh, अच्छे शिक्षक class. बन पाए अब ये सब्जेक्ट जो है गायब होंगे आई के संदर्भ में अगर मैं बहुत संक्षिप्त में आपसे पूछूं कि शिक्षकों की क्या है तो आप क्या कहेंगे शिक्षकों की बहुत सारी चिंताएं हैं और देखिए जहां सरकार कहती है कि हम इंडियन चीज़ को बढ़ावा दें वहां ये कितने दुख की बात होगी कि Uh, क्योंकि एक डब्ल्यू का एक दबाव है और बाहर से ये सारे एक तरीके से स्ट्रक्चर्स जो हैं हम पे थोपे जा रहे हैं ये कोई ऑर्गेनिक नीड नहीं है आई टेप जो है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ये ये कह रहा है कि तीन साल का आपने एक डिग्री कर लिया आपको फिज़िक्स ऑनर्स मिल आपको बी फिज़िक्स आप मिल गया या लाइफ साइंस मिल गया इसके बाद आप एक साल में टीचर बन जाइए जबकि बी एल एड प्रोग्राम जो था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इवॉल्व किया हुआ प्रोग्राम है आ, पहला देश में चार साल का टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके अंदर एक एक्सटेंसिव प्रिपरेशन होता है टीचर बनाने का और मैं समझती हूँ कि देश बनाने के लिए टीचर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है तो टीचर ऐसे नहीं हवा में बनता और आ, ये इतना बेहतरीन प्रोग्राम इसको सारे देश में और इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिशिएट किया गया प्रोग्राम है यह हमारे लोगों ने बनाया और आज जब रिप्लेस करने की बात हो रही है आईटी ये जो आई है इसका कोई स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से हमारे सामने नहीं है पर जो आर्ट कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी प्रोग्राम ऑफर करते हैं जिसमें बेहतरीन स्टूडेंट जनरेट होता है उसका बहुत बेहतर प्लेसमेंट है इसको स्क्रैप करके आई को लाना बेसिकली फिर वही बात है कि सरकार कुछ नया तो लाना चाहती है पर उसके लिए ग्रांट नहीं देना चाहती वो ये नहीं टॉलरेट करना चाहती कि बी प्रोग्राम जो चार साल का ही है आप चार साल चाहते हैं ये चार साल का ही है उसके साथ कोई आईटीपी जैसी चीज हो वो ये चाहते हैं कि अब इसको बंद कर दिया जाए और नए प्रोग्राम को लाया जाए और आप देखिए कि आईटीपी लाकर क्या कर रही है सरकार टीचर बनाने में भी अपना खर्चा बचा रही है वो ये कर रही है कह रही है कि चा... तीन साल आपने पढ़ लिया उसके बाद कुछ स्टूडेंट आएंगे उनको एक ही साल में ट्रेन करके आपको स्कूल में दे रहे हैं जहां कि चार साल लग रहे थे एक टीचर को बनाने के लिए सरकार उसको रिड्यूस कर दे रही है एक साल के लिए तो जो डेप्थ होगा मतलब ऐसा है ना कि फिजिक्स पढ़ना एक बात है पर फिजिक्स को बताना सिखाना उसकी पैडागोजी की क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट जो आम, आ, और स्पेशली एलिमेंट्री स्कूल में साइंस को कैसे इंट्रोड्यूस करना है और जैसे आपने कहा जेंडर इनक्वैलिटीज़ को समझना जब टीचर इनक्वैलिटीज़ को समझेगा हमारी सोसाइटी में जो भी इस तरीके की त्रुटियां हैं तभी तो क्लासरूम में वो इंक्लूसिव हो पाएगा उसके पास एक एक अंदर से ये ट्रेनिंग होगा कि कैसे सबको साथ लेके चलना है कैसे सबको उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उन तक किस तरीके से कि क्या भाषा बोली जाए ताकि स्टूडेंट ये समझे तो वो जो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था उसको स्क्रैप करके, करके और आईटीपी के लिए एक और प्रॉब्लम ये है कि आई में कम टीचर्स की जरूरत होगी क्योंकि तीन साल तो वो अपने रेगुलर प्रोग्राम्स करेगा और एक ही साल की ट्रेनिंग देनी है आ, दस साल से मतलब ये बी एल एड प्रोग्राम तो बहुत सालों से है पर क्योंकि दस साल से अपॉइंटमेंट नहीं हुए इन आर्ट कॉलेज़ में लगभग पचास से ऊपर टीचर्स हैं जो बी एल एड प्रोग्राम्स में शामिल हैं पढ़ा रहे हैं एडहॉक और टेम्परे टीचर्स तो जैसे ही आई टी पी आता है तो ये उनके लाइवलीहुड की भी बात हो जाती है दूसरी बात यह है कि जिन स्टूडेंट्स ने बी एल एड प्रोग्राम बेहतरीन किया और जिनके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं और कई साथी जो अभी नौकरी की लाइन में लगेंगे जो स्टूडेंट हमारे उनके मनोबल को भी ये चीज तोड़ती है कि कोई प्रोग्राम था जो स्क्रैप हो गया और आप उसकी डिग्री लेके घूम रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये एंटी स्टूडेंट भी है जिसकी बेहतरीन डिग्री है लेकिन क्योंकि आज की सरकार उसको अगर डिलीट मार देती है तो ये उसकी डिग्री पे भी क्वेश्चन मार्क दे देगा कि अब सरकार तो इसको वैल्यू नहीं कर रही तो मार्केट भी वैल्यू नहीं करेगा अब लौटते पिछले साल हमने देखा कि सी यू टी जो है जो बारहवीं पास किया बच्चों ने वो जो है सी यू टी के लिए गए और वो अक्टूबर तक जो है पेपर ही दे रहे थे आ, उसका असर जमा ये हुआ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ स्टूडेंट्स से भर गई और जो सरकारी यूनिवर्सिटी थी वो पूरी खाली थी अगर मैं आपसे इस अनुभव के बारे में पूछूं और इस बार की तैयारियों के बारे में पूछूं तो क्या आप क्या कहेंगे ऐसा है कि इस बारी सीवेट की कुछ चीजें मैं बता दूं कि देखिए सीवेट में जो एजुकेटर्स और इस बारे मैं कहना चाहती हूँ की अगर आप गूगल करेंगे तो सीवेट पे जितने आर्टिकल्स आए उतने आर्टिकल्स किसी इशू पे नहीं आए क्योंकि ये जो वरी थी वो हायर एजुकेशन के टीचर्स की भी थी और स्कूल एजुकेशन के टीचर्स की भी थी और वो आपको बताएंगे कि ऐसे ही के आते ही हमने सोचा था कोचिंग बढ़ेगा कोचिंग इतना ज़्यादा बड़ा कि जो हमारी कल्पना से भी बाहर है तो हमारा जो ये डर था कि अभी तक सिर्फ प्रोफेशनल जो नीट प्रोग्राम है अनीट है या जे है या आपके क्लैट है जैसी चीज़ों के लिए एक तरीके से कोचिंग चल रहा था सूएट स्वे, को लाकर ये बात सही है कि एन लिखती है कि कोचिंग को बढ़ावा नहीं होना है पर एक्चुअली सरकार ने कोचिंग को ही बढ़ावा दिया क्योंकि एक नर्वसनेस है कि एन का ही सिलेबस आएगा और स्टूडेंट को यह बता दिया गया कि अगर चालीस एम हैं आपको टिक मारना है एक चॉइस पे आ, वो आप अगर ठीक से कर लें आपका नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा जिसकी वजह से क्लास इलेवन ट्वेल्थ बिल्कुल एरोड हो गया अगर आप पता करेंगे तो कितने फर्जी स्कूल शुरू हो गए हैं और अगर आप पता करेंगे तो स्कूलों का काम भी सिर्फ सी की प्रिपरेशन का हो गया बजाय स्टूडेंट की कंटिन्यूस काम का और इलेवेंथ ट्वेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट इन शॉर्ट हम ये कहें कि स्कूल सब पढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे और देखिए इलेवेंथ ट्वेल्थ में स्टूडेंट डेप्थ में पढ़ना शुरू करता है कुछ डिसिप्लिन को एक तरीके से वो सारा ही इरोड हो गया उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो एनालिटिकल एबिलिटी है या राइटिंग स्किल्स हैं कोई भी तो स्किल डेवलप नहीं होगी इलेवेंथ ट्वेल्थ में सिर्फ उसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी पे क्या असर हुआ अगर आप पता करेंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे कोर्सेज में सीटें खाली गई इसके बावजूद कि बहुत बारी राउंड्स ओपन किए गए लेकिन हम सीटों को नहीं भर पाए एक और चीज जो हम देख रहे हैं वो ये कि बहुत सारे क्वाइट कॉलेजेस में महिलाओं की संख्या कम हो गई तो जो हमारा डर था कि सीवेट एक इस तरीके से फिल्टर लगाएगा क्योंकि आपके पास सेट नंबर ऑफ़ सीट्स हैं आप उतने ही लोगों को लाना चाहते हो तो चाहे आप पीसीएम पे जाते हैं या आप इसको लगाते हैं सी एट को लाते ये फ़िल्टर्स हैं पर सीवेट का फ़िल्टर ऐसा है जो कि कोचिंग के सहारे ही चलेगा और इसलिए महिलाओं का नंबर जो हाशिए पे खड़े लोग हैं जिनके पास इकनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं उनका नंबर अंदर नहीं आ पाएगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम अपनी क्लासरूम में सोचते हैं कि एक स्टूडेंट शायद मद्रास से आया है मतलब लग रहा है साउथ इंडिया uh, uh, in से आए तो पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले तो वो भी दिल्ली का ही होता है ये बात जरूर है कि उसके पेरेंट्स तमिल हैं इन शॉर्ट मैं कि गरीब बच्चा जो है यूनिवर्सिटी और डाइवर्सिटी और इसमें एक और चीज़ है ये जो प्रोसेस है इसकी वजह से जो हमारी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लोकल पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट थी देखिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे कौन से कोर्सेज खाली गए कौन से कॉलेजेस खाली गए वो सब कोर्सेज वो सब कॉलेज खाली गए जो लोकल पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट थे आपने लोकल पॉपुलेशन के लिए एक और एक बैरिकेड लगा दिया तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नाम लीजिए आप तीन पे ही रुक जाएंगे चार पे ही रुक जाएंगे यही वो जगहें हैं जहां पूरे देश से लोग आते हैं पर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लोकल पॉपुलेशन पे चलती हैं और आप देखेंगे कि सरकार को भी ये मालूम है इसलिए सीएट को एग्जेम्ट किया गया नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटीज से सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे सीएट को हटा दिया गया क्योंकि जो लोग बिल्कुल ही लोकल पॉपुलेशन पे हैं अगर उनके लिए एक और ऐसा बैरिकेड लग गया जिसमें माँ बाप का ज्यादा खर्चा हो रहा है तो वो खाली जाने वाले हैं। शुक्रिया तो ये थी अपा भाभी बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज टेक के साथ